6.4.4 केंद्रक न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के मध्य में जिस संरचना को देखा उसे न्यूक्लियस केंद्रक नाम दिया। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। दर्शाए गए चित्र के आधार पर बताएं कि क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में स्थित होता है। रॉबर्ट हुक ने पादप और जंतु कोशिका में से किस प्रकार की कोशिका का अध्ययन किया होगा? क्या आप जानते हैं स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं एवं पौधों के फ्लोएम ऊतक की एक प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते? असल में इनमें शुरुआत में तो केंद्रक होते हैं मगर जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे पदार्थों के संवहन के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थान उपलब्ध हो सके। केंद्रक में धागे जैसी रचना होती है जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। यह मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ के बने होते हैं। जैसे ही कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है ये क्रोमेटिन छड़ों का रूप ले लेते हैं, तब इन्हें गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। माता पिता से अगली संतति में अनुवांशिक गुण इन्हीं संरचनाओं से जाते हैं। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है और जीवों के गुणों का निर्धारण भी करता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली कोशिका झिल्ली जैसी होती है। जीव जगत में वर्गीकरण का मुख्य आधार केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति है। यदि केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो तो यूकेरियोट वर्ग की कोशिकाएं होंगी, अन्यथा प्रोकैरियोट वर्ग की। क्या आप जानते हैं एसिटाबुलेरिया का प्रयोग केंद्रक ही गुणों का निर्धारण करता है? इसका स्पष्ट प्रमाण सर्वप्रथम जर्मन जीव वैज्ञानिक जोकिम हेमरलिंग ने 1934 में एक समुद्री शैवाल एसिटाबुलेरिया पर प्रयोग कर बताया। यह समुद्री शैवाल एक कोशिकीय जीव है। इसके तीन भाग होते हैं, आधार, डंठल, टोपी। अलग अलग जातियों में टोपी अलग अलग आकार की होती है, किसी में उल्टे छाते के समान तो किसी में फूल के समान। टोपी काटने पर फिर से टोपी उग जाती है। हेमरलिंग ने फूल जैसी टोपी वाले शैवाल का केवल आधार लिया और फिर इस पर एक छाता जैसी टोपी वाले शैवाल का डंठल रोप दिया। इससे जो टोपी उगी वह छाते और फूल का मिला जुला रूप थी। इसका मतलब यह हुआ कि आधार में उपस्थित कुछ पदार्थ और डंठल में मौजूद कुछ पदार्थ मिलकर इसका रूप तय कर रहे थे। हेमरलिंग ने इस टोपी को और भी काट दिया और अब की बार जो टोपी उगी वह फूलनुमा थी, मतलब अब इसका रूप पूरी तरह आधार पर निर्भर था, अर्थात आधार से निकला कोई पदार्थ टोपी का रूप तय करता है। हेमरलिंग यह देख ही चुके थे कि इस शैवाल का केंद्रक आधार में होता है। कई प्रयोगों के आधार पर जीव वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केंद्रक में उस जीव की हर प्रकार की कोशिका बनाने की जानकारी होती है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्यों कहा जाता है?